हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा एक नया ब्लॉग में। तो आप सभी का जो बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहा था आईटीआई कॉलेज से रिलेटेड, तो अभी हम जा रहे हैं आप सबों के लिए आईटीआई कॉलेज और वहां जाके हम वो सभी सवालों का जवाब पता करते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए और जानिए आईटीआई कॉलेज के बारे में, जो भी आप लोग क्वेश्चन करें वो सभी का आंसर। तो ये देखिए, हम पहुँच गए हैं बीपीएस प्राइवेट आईटीआई कॉलेज। यही है बीपीएस प्राइवेट आईटीआई का बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग यही है जिसमें ऑफिस भी है और सब कुछ इसी बिल्डिंग के अंदर है। और सेकंड बिल्डिंग है ये जिसमें होती है क्लास, तो क्लास के लिए ये बिल्डिंग बनाया गया है। तो अब चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं। पता चला है कि यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम ले रहा है वहाँ जाके, और फिर पता करते हैं और भी बहुत सारी जो आपकी क्वेश्चन है वो सभी का आंसर। ये देखिए, यहाँ पर लिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से इंटरनल एग्ज़ाम और ये सारे स्टूडेंट अभी इंटरनल एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये शायद इलेक्ट्रीशियन वाले हैं और ऊपर फिटर वाले होंगे। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। क्या चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं? सर, मैं फिटर ट्रेड से हूँ और मैं अभी फिटर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल, ये कितने दिनों पर एग्ज़ाम देता है यहाँ? सर, यहाँ पे 3 मंथ पे एग्ज़ाम होते हैं सर। यहाँ पढ़ाई के बारे में बताइए, कैसा पढ़ाई सर? तो पढ़ाई तो सर रेगुलर होती है और ये सब यहाँ पे अनुभवी टीचर्स हैं, खासकर सर ड्राइंग वाले टीचर्स सर बहुत ही बेहतरीन सर। प्रैक्टिकल सर, जी सर, जी सर, यस सर। प्रैक्टिकल के लिए सर शेड्यूल बना हुआ है, उसके अनुसार सर प्रैक्टिकल होती है और सर रेगुलर मतलब बनाते रहते हैं। अच्छा, कोई तरह दिक्कत? सर दिक्कत तो अभी तक तो नहीं हुआ है सर। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर उसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इससे मतलब बीपीएस आईटीआई से बेहतरीन यहाँ पे सर पटना सिटी में है तो नहीं मिल पाएगा सर, पढ़ाई के लेवल से और सर टूल्स और ये सर प्रैक्टिकल भी होता है यहाँ पे। सारे सर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मौजूद हैं सर, जो आप खोजिएगा आपके प्रैक्टिकल में जो भी जरूरत होगा सर वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ एडमिशन से पहले कहीं और भी ट्राई किए थे? सर गए तो थे सर, लेकिन नहीं सर मैं मुझे इससे यस सर इसीलिए सर मुझे इससे बेहतर और कहीं नहीं मिला, इसलिए सर मैंने यहाँ पे एडमिशन करवा लिया। थैंक यू सर। कब एडमिशन लिए? सर मैं यहाँ 2022 में एडमिशन लिया हूँ 22-24 सेशन के लिए। तो आप यहाँ हमेशा क्लास करने आते हैं? हाँ जी, रेगुलर सर। सर प्रैक्टिकल यहाँ बहुत ही आधुनिक तरीके से कराया जाते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल के सर है, हर क्लास के सर यहाँ सर अवेलेबल है, किसी भी कोई भी दिक्कत किसी भी छात्र को नहीं होती है। यहाँ हर विषय के यहाँ जो शिक्षक है यहाँ उपलब्ध है और बहुत ही अच्छी यहाँ व्यवस्था है, हर तरह के क्लासरूम अवेलेबल है, बेंच बहुत अच्छी है, ऐसे कम्फर्टेबल वाटर ड्रिंक वाटर ऐसे पूरा मतलब कोई भी दिक्कत नहीं, ऑल कैमरा ऑल सीसीटीवी कैमरा रूम। तो यहाँ जो है सो अगर कोई एडमिशन लेना चाहे उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? सर मैं ये सजेशन दूंगा कि आप पूरे मतलब पटना में देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ है और बहुत ही कम फीस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आएँ यहाँ, मतलब बस स्टैंड नज़दीक हो गए, रेलवे स्टेशन नज़दीक हो गए, यहाँ पर आ करके बेझिझक मतलब एडमिशन ले सकते हैं। और आप यहाँ एडमिशन लेने से पहले कहीं ट्राई किए थे उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क? नहीं, उसमें मैं एक जगह गया था कुम्हरार आईटीआई में, वहाँ मैं ट्राई किया लेकिन वहाँ इस तरह की व्यवस्था नज़र नहीं आई, तो फिर मैं यहीं एडमिशन लिया। और ताकि यहाँ बहुत ही अच्छी देखिए माहौल भी बहुत है, बहुत बड़े कंपाउंड्स भी हैं या बहुत अच्छे मतलब बड़े बड़े रूम भी हैं और ऊपर एक लाइब्रेरी है। हाँ जी जी जी, जाते हैं लाइब्रेरी भी जाते हैं सर। थैंक यू सर। आज जो है सो इस कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ये सारे स्टूडेंट जो मिलकर प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके लिए उन लोगों को आज पुरस्कार दिया जाएगा बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी के द्वारा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये सब फीटर वाले हैं और ये सब खुद अपने हाथों से जो है सो ये सारे प्रोजेक्ट जो है तैयार किए हैं और प्रोजेक्ट के जस्ट नीचे में नेम भी मेंशन कर दिए हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट का क्या नाम है। ये सब देखिए ट्राई स्क्वायर जितना भी जो है सब कुछ खुद से बनाए हुए हैं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट, ये लोग फीटर वाले हैं और सब लोग अपने से, शायद ही आपको ऐसा कुछ कहीं दूसरे आईटीआई में देखने के लिए मिलता होगा। और इसी तरीके से ये देखिए हम आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया सा ये फीटर जो लिखा हुआ है मोटर के ऊपर में, ये सब खुद से तैयार किए हैं। ये इतना कुछ जो है सो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ के अनुभवी
टीचर के द्वारा सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। इसी तरह तरीके से इलेक्ट्रीशियन वाले भी तैयार किए हैं अपना। ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया गया है और सब कोई अब जितना यहाँ का स्टूडेंट है सब लोग अपने हाथों से ये सब तैयार किए हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया सा प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। यह प्रोजेक्ट देखिए इन लोगों के द्वारा जो है सो तैयार किया गया है। ये सारे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं ये लोग जो है, तो कितना बेहतरीन जो है सो इसरो को तैयार किया गया है। यह प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखिए वाओ कितना अच्छा लग रहा है, लाइट इसके नीचे से लगा दिया है, कितना बेहतरीन लग रहा है ये देखने में। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है तो यहाँ BPS प्राइवेट ITI के छात्रों ने बनाए। ये प्रोजेक्ट का नेम भी है लेजर लाइट बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम। और भी बहुत ज़्यादा जो है सो यहाँ पे आज जो है सो ये सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट तैयार किए। ये देखिए बहुत सारा जो है सो यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना अपना जितने सारे स्टूडेंट जो है सो बनाए सब अपने अपने नीचे जो है सो इसका नेम मेंशन कर दिए हैं। इस तरीके से बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है सो तैयार किया गया इन सारे छात्र के द्वारा। तो इसी के लिए इन सारे छात्रों को आज जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो आज जो है सो माननीय श्री नंद किशोर यादव जो बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री और साथ ही में बिहार ITI के जो प्रिंसिपल है वो सब लोग आ रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उनको ये उपहार दिया जाएगा। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन जो और भी सरकारी संस्थाओं में रहकर से निकलती है उसमें भी यहाँ से अभी तक 200 छात्र नियुक्ति प्राप्त किए, 200 छात्र हमारी संस्थान समय समय पर पुराने छात्रों का भी एलुमनी मीट करने का संकल्प लिया। हमारे संस्थान में लगातार दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है, जो लड़के पास कर जाते हैं उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको हम जो प्रमाण पत्र देते हैं वो एक समारोह करके देते हैं और वह क्षण भी गौरव का क्षण होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उन लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और ये यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं सबको मिलेगा यहाँ पे प्रोत्साहन। यहाँ पर देखिए सारे स्टूडेंट मिल करके ग्रुप फोटो क्लिक करवा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज वाले भी आए हुए हैं, तो सब लोग इस फोटो को ले रहे हैं ताकि न्यूज में डाल सके। और ये देखिए फिर से सब लोग पर्सनली यहाँ पे जो है सो एक एक करके फोटो क्लिक। तो अब हम जाते हैं कॉलेज के ऑफिस और पता करते हैं कि यहाँ अब भी एडमिशन हो रहा है कि नहीं उसके बारे में। बात करते हैं राजीव सर से और पूछते हैं उनसे एडमिशन के बारे में कि अभी एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर अभी एडमिशन हो रहा है? जी हाँ, अभी नए सत्र का एडमिशन मेरे यहाँ चल रहा है सर। कौन सा सेशन? और सेशन अब नए सेशन के एडमिशन होगा जो 24 से 26 दो साल वाले ईयर में और एक साल वाले में 24 से 25 होगा। जैसे कि अगर कोई बैक सेशन से लेना चाहे एडमिशन तो ये अभी हो सकता है? नहीं, बैक सेशन से एडमिशन अब ऑनलाइन के जब से जब एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ उससे बैक सेशन में एडमिशन अब संभव नहीं है। अब जो भी एडमिशन होगा वो करंट बैच में ही होना संभव है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट में बताइए और अगर आपका कोई दोस्त ITI करना चाहता है तो आप उनको ये वीडियो भेजिए और जिससे वो यहाँ तक पहुँच पाए। और खूब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।